नमस्कार इलिफ नलेज नतुन एट भिडिओ लगे पुनः स्वागत जानसो आज मैं आलोचना करम गुवाहाटी विश्वविद्यालय अंतर्गत बी एड एंट्रेस कारण जो प्रिपेयर हो जेनेरल सायन्स और जेनेरल नलेज उभय क्षेत्र किसान प्रश्न जानव लगे और यूर प्रश्न मानव शर सम्पर्कित तो बंधु बान्धी बोल आम कईटाम अति गुतवपूर्ण प्रश्न चाय लो तो भिडिओ तो आरम्भ कर आगे आपन सर अनुरोध जो भिडिओ तो भल लगे तेहले लाइक कर और जो चेनेल नतुनक तो चेनेल तो सबसक्राइब कर लपहर तो बंधु बान्धी बोल आम भिडिओ तो आरम्भ करूँ एक विषय प्रथम प्रश्न तो सोधा हुईज वन अफ द फलोईंग इज द क्रोमोसोम नम्बर अफ मेन इतना आपलोर क्रोमोसोम नम्बर विचार से मानव शर जी क्रोमोसोम थके मानुर शरीर आन एट मानुर शर जाए तो इतना किमानजोर जाए विषय सीधे इतना अपशन ए दी से 33 पेयर्स अपशन बी दी से 23 पेयर्स अपशन सी दी से 37 पेयर्स और अपशन डी दी से 52 पेयर्स तो यार शुद्ध उत्तर आप बाछी लगभग लगे तो यार शुद्ध उत्तर तो अपशन बी 23 पेयर्स मानव शरीर तेज क्रोमोसोम एट शरीर आन एट शरीर जाए तो बोलो इतना द्वितीय प्रश्न आगे द्वितीय प्रश्न तो सीधे ह्वाट इज द नर्मेल टेम्पारेचर अफ ह्यूमेन बडी मानव शर स्वाभाविक उष्णता किमान इतना आपन साइड अपशन दी अपशन ए दी से 98.6 डिग्री फेरेनहाइट अपशन बी दी से 97.6 डिग्री फेरेनहाइट अपशन सी दी से 92.4 डिग्री फेरेनहाइट और अपशन डी दी से 38.6 डिग्री फेरेनहाइट तो यार शुद्ध उत्तर तो आप बाछी लिया लगे तो यार शुद्ध उत्तर तो अपशन ए 98.6 डिग्री फेरेनहाइट इते आपनक कई थ यू जो सेल्सियस कब जाओ तो 37 डिग्री सेल्सियस हम यू आम स्वाभाविक शर उष्णता तो बंधु बान्धी बोल तृतीय प्रश्न आगे तृतीय प्रश्न तो सी हुईज इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमेन बडी मानव शर आटको डांगर ग्रंथि कौन तो इतना अपना साइड अपशन दी अपशन ए दी से लिभार अपशन बी दी से हार्ट अपशन सी दी से किडनी और अपशन डी दी से नून अफ दिस अर्थात यूर एट न तो यार शुद्ध उत्तर तो आप बाछी लगभ लगे तो यार शुद्ध उत्तर तो सकोए जाने यार शुद्ध उत्तर तो अपशन ए लिभार लिभारे से मानव शरीर आटको डांगर ग्लैंड तो बोलोग चतुर्थ प्रश्न आगे चतुर्थ प्रश्न तो सी ह्वाट इज द एवरेज हार्टबीट अफ ए नर्मेल पार्सन इतना सी स्वाभाविक व्यक्ति एजर हार्टबीटर गड़ कि है तो इतना आप साइड अपशन दी अपशन ए दी से 60-70 पार मिनिट अपन बी दी से 70-80 पार मिनिट अपशन सी दी से 90-100 पार मिनिट और अपशन डी दी से 50-60 पार मिनिट तो यार शुद्ध उत्तर तो बाछी लगभ लगे तो यार शुद्ध उत्तर तो अपशन बी 70-80 पार मिनिट इते आप कह दूँ मानुर बयस अनुसरी ये हार्टबीटर इफाल सीफाल है किसान 60-100 देखा पा एवरेज कि बयस अनुपाते बेलेग बेलेग है सर ला छी एडाल्टर क्षेत्र बेलेग बेलेग है तो सको क्षेत्र एवरेज आम 70-80 बुले जानो तो बोलो इतना यार पाँच नम्बर प्रश्न आगे यार पाँच नम्बर प्रश्न तो सी हाउ मानी बोन्स आर दियार इन द ह्यूमेन बडी इतना सी मानव शर कि हार थे इतना अपना साइड अपशन दी से अपशन ए दी से 106 अपशन बी दी से 206 अपशन सी दी से 208 और अपशन डी दी से 207 तो यार शुद्ध उत्तर तो आप बाछी लिया लगे आशा करूँ यू प्रश्न उत्तर एने जे नाजने तो यार शुद्ध उत्तर से अपशन बी 206 अर्थात मानव शरीर 206 हार्ट थके तो बोलक इतना यार छः नम्बर प्रश्न आगे यार छः नम्बर प्रश्न सी हाउ मानी ब्लाड डास एन एवरेज मेन हेव इतना सी से गड़े प्रति मानुर शर कई लिटार तेज थके इतना साइड अपशन दी अपशन ए दी से 5.5 लिटार्स अपशन बी दी से 8 लिटार्स अपशन सी दी से 4 लिटार्स और अपशन डी दी से 6.5 लिटार्स तो यार शुद्ध उत्तर आप बाछी लिया लगे तो यार शुद्ध उत्तर तो अपशन ए 5.5 लिटार्स मानव शरीर गड़े प्रति प्राय 5.5 लिटार तेज थके इतना आप कह दूँ मानव भेदे तेजर परिमाण बेलेग बेलेग है सर ली क्षेत्र कम है डांगर मानुर क्षेत्र बेसि है कि इतना गड़ जीतु सोधा तो इने क्षेत्र आम 5.5 लिटार्सटे शुद्ध बी विवेचना करूँ तो बोलो इतना यार सत नम्बर प्रश्न आगे तो यार सत नम्बर प्रश्न सी हाउ मानी मास्कल्स आर देयर इन द ह्यूमेन बडी एप्रक्सिमेटलि इतना सी आनुमानिक मानव शर कि मास्कल्स अर्थात पेशी मांसपेशी थके इतना साइड अपशन दी अपशन ए दी से 500 अपशन बी दी से 600 अपशन सी दी से 750 और अपशन डी दी से 400 तो यार शुद्ध उत्तर तो आप बाछी उलिया लगे तो यार शुद्ध उत्तर तो अपशन बी 600 आपको इतने कह दूँ
বিভিন্ন গৱেষণাত বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ উত্তৰ পোৱা গৈছে, কিন্তু গড়ে প্ৰতি 600 আৰু 600তকৈ বেছি কেতিয়াবা পোৱা গৈছে বুলি কোৱা হৈছে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 600। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে, হু ইজ গ্লেণ্ড ইজ দ্য হিউমেন বডি ইজ কল্ড মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড। মানৱ শৰীৰৰ কোনটো গ্ৰন্থিক মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বা মাষ্টাৰ গ্ৰন্থি বুলি জনা যায়। তো ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে স্প্লিন, অপশ্যন বি দিছে পেনস্ক্রিজ, অপশ্যন সি দিছে থাইরয়েড, আৰু অপশ্যন ডি দিছে পিটিউটারি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পিটিউটারি। পিটিউটারি গ্ৰন্থিক আমি মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড বুলি জানো। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে, দ্য লাৰ্জেষ্ট পাৰ্ট অফ হিউমেন ব্ৰেইন ইজ, অৰ্থাৎ মানৱ মগজুৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশ কোনটো। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে চেৰিবিলাম, অপশ্যন বি দিছে চেৰিব্ৰাম, অপশ্যন চি দিছে মিড ব্ৰেইন, আৰু অপশ্যন ডি দিছে মেডুলা অবলংগেটা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চেৰিব্ৰাম। মানৱ মগজুৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশ হৈছে চেৰিব্ৰাম। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। এইটো এপিছডৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হিমগ্লোবিন অফ হিউমেন ব্লাড মেড আপ অফ, অৰ্থাৎ মানৱ শৰীৰৰ যি তেজ আছে তাৰে হিমগ্লোবিনবোৰ কিহেৰে তৈয়াৰী হয়। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে কেলছিয়াম, অপশ্যন বি দিছে কাৰ্বহাইড্ৰেট, অপশ্যন চি দিছে ভিটামিন এ, আৰু অপশ্যন ডি দিছে প্ৰটিন এণ্ড আইৰণ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি প্ৰটিন এণ্ড আইৰণ। প্ৰটিন আৰু আইৰণৰ পৰাই এই আমাৰ তেজৰ যি হিমগ্লোবিন সেইবোৰ গঠিত হয় বা তৈয়াৰ হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ আলোচ্য বিষয়। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ, আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'বোৰৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'বোৰত যদি কোনো সৰু সুৰা ভুল ভ্ৰান্তি থাকি যায় তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব, আৰু তাতে আপোনালোকে এই ভুল ভ্ৰান্তিবোৰৰ শুধৰণি তাতে পাই যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।